भाई नमस्कार। मैं अभी आपको बता रहा था कि टिनेप्सी रिजेक्शन क्या है। मैंने टिनेप्सी क्या है ये तो बता दिया है, अब टिनेप्सी रिजेक्शन होता किस वजह से है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए भाई, जब हम फोटो की सिग्नेचर की क्रॉपिंग करते हैं या पीडीएफ बनाते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो उसी समय हम एक गलती कर जाते हैं जो टिनेप्सी रिजेक्शन में जाता है। जैसे कि ब्लैक पेन यूज ना करना, ब्लैक पेन यूज करते हैं मगर बॉल पेन नहीं, जबकि ब्लैक जेल पेन यूज करना है हमें, थंब लगाने के लिए ब्लैक पैड का यूज करना है, उसको नोटरी कराना है जिसे बोलते हैं सत्यापित, अगर ये नहीं कराते तब भी हमारा टिनेप्सी रिजेक्शन में जाता है, या किसी के चेहरे के ऊपर से सिग्नेचर करना ये भी गलत है, ये भी टिनेप्सी रिजेक्शन में जाता है, या फिर कोई फील्ड छोड़ देना, एओ कोड, इसके अलावा कार्ड ऑफ नेम छोड़ देते हैं, आधार कार्ड नंबर भरना छोड़ देते हैं, पीछे डेट ऑफ बर्थ भरना, डेट जो प्लेस भरना छोड़ देते हैं, डेट भरना छोड़ देते हैं, आधार कार्ड टिक मार्क करना छोड़ देते हैं, अगर अगर कोई भी फॉर्म में हम फिल छोड़ते हैं वो भी कारण है हमारा टिनेप्सी रिजेक्शन में। और प्लस अब तो हमने एक अपनी नोटिफिकेशन लगाया है कि सबसे शुरू में जब साइट ओपन करते हैं तो आपको पूरा एक टर्म एंड कंडीशन दिखाई देती है, हम उस पर पेनल्टी चार्ज भी करने जा रहे हैं। मैं 15 जनवरी से उस पर चार्ज पे काम करूंगा और जिसका जो भी चार्ज होगा उससे वो काट लूंगा और वो रिफंड नहीं किया जाएगा। हमने आपको 1 महीने पहले से नोटिस देना शुरू किया है कि जो जो कंडीशंस हैं, जिस जिस चीज़ पे जितना टैक्स चार्ज कटेगा वो हमने आपको नोटिस दिया है। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो टिनेप्सी रिजेक्शन बनता कैसे। देखिए, अगर आपने किसी अदर टूल से, हमारे दिए गए टूल के अलावा अगर किसी अदर टूल से फोटो या सिग्नेचर बनाया तो वो टिनेप्सी रिजेक्शन में जाएगा, 100% आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। जो हमने आपको अपना पैन कार्ड बनाने का टूल दिया है उसी से फोटो काटना है, उसी से सिग्नेचर काटना है, जितने डीपीआई में कहा उतने डीपीआई में कार्ड बनाना है, प्लस पीडीएफ हमारी ग्रे स्केल, जब हम ग्रे स्केल मांग रहे हैं तो ग्रे स्केल देनी है, आपसे कलर मांग रहे हैं तो कलर देनी है, ये उसमें आप पढ़ के आप अपनी पीडीएफ बनाइए। और रिजेक्शन का कारण है आपकी असावधानी, सावधानी ना बरतना, जैसे कि उल्टे सीधे फोटो काटना, साइड से फोटो की एक लाइन आनी, नीचे से लाइन आनी, अंगूठे में अदर कुछ लिखा हुआ आ जाना, ये सब टिनेप्सी रिजेक्शन के कारण है। तो मैं चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरी वीडियो को देखने के बाद में आप अपने क्रॉपिंग में फार्म भरने में सुविधा बरतेंगे, थोड़े एहतियात बरतेंगे जिससे कि आपके फार्म टिनेप्सी में ना फंसे। आप बार बार मुझे फोन करते हैं, कहते हैं सर ये फंस गया मेरा, नहीं आया। मैं कहता हूं कि जब से मैंने पैन कार्ड बनाना शुरू करा है आज तक मेरा एक भी पैन कार्ड टिनेप्सी में नहीं गया। क्यों? कि मैं 10 नहीं बना के एक बनाता हूं। आप 100 मत बनाइए एक दिन में, 90 बनाइए, 50 बनाइए पैन कार्ड, मगर सावधानी से। अगर सावधानी से बनाएंगे तो आपका फंसेगा नहीं, मार्केट में अच्छा काम होगा। जब आप गलत कार्ड क्रॉपिंग करेंगे, गलत फार्म भरेंगे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं उल्टा सीधा भर दिया, जैसे उनके ताऊ की सरकार है। अरे भाई, वहां पर भी चेक करने वाले लोग हैं। आप बिल्कुल सावधानी के साथ में फार्म भरिए, एक एक वर्ड बिल्कुल हीरे की तरह लिखिए जिससे कि मुझे पढ़ने में या हमारे टीम को पढ़ने में दिक्कत ना हो। और फोटो को इतनी सावधानी से क्रॉपिंग कीजिए, साइड में कोई लाइन नहीं आए, फोटो ना कट जाए। मुझे फोटो में आंखें साफ चाहिए दिखती हुई, अगर जिस फोटो में आंखें नहीं दिखेंगी मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, टिनेप्सी में चला जाएगा, फिर आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस कंपनी को बनाने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस कंपनी को बनाने का मतलब है मुझे एक नाम कमाना, आप लोगों के बीच में रहना, ना कि आप लोगों से गाली खाना। जो मेरे भाई मेरी बात समझते हैं वो मेरे भाई मेरी बात समझ के सुन के एक चीज पर आएंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सावधानी के संग में आपको फार्म भरना है, क्रॉपिंग करनी है बहुत सावधानी के साथ में, उसके साथ में फार्म को पूरा भरना है और समय से लोड करना। भाई अगर गलती पहले क्या होती थी कि गलती से आप लोग किसी और का सिग्नेचर लगा देते, फोटो किसी और का, अब मैंने वो चीज़ भी खत्म कर दी है कि जिससे कि आप जिसका फोटो होगा उसी सिग्नेचर, और बिना क्रॉपिंग के अगर आपने पेंट वगैरह का इस्तेमाल करा या फोटोशॉप का, या ब्राइटनेस बढ़ाने में, या मुझे बेवकूफ बनाने के लिए सिग्नेचर को ब्लू को ब्लैक एंड व्हाइट किया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कंपनी के और आपको कुछ सत्यता बताऊंगा और कैसे क्या चीज़ है। तो मैं इस वीडियो में बताया कि आपको टिनेप्सी रिजेक्शन होता क्यों है, आपकी असावधानी की वजह से टिनेप्सी रिजेक्शन होता है, इसको सुधारिए। मैं कह रहा हूँ बार बार आप सुधारिए। भाइयों, मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहिए। नमस्कार।